हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल ट्रैवल अच्छो में। तो आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, सुबह के अभी बज रहे 6 बज रहे अभी। तो बेसिकली आज जो है घर में जो है लामा आते आने वाले हैं, घर में जो है दाच्छत लगाने वाले हैं। तो दाच्छत यहाँ पे किन्नौर में आपको हर घर में जो है दाच्छत जो है लगा हुआ जो है दिखेगा। बेसिकली ये जो है बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। दाच्छत लगाने का मेन मोटिव ये होता है कि जो बुरी शक्तियाँ है वो जो है घर से दूर रहे, साथ ही साथ जो है घर में जो है सुख समृद्धि जो है मतलब घर में बरकरार रहे, तो उसके लिए जो है दाच्छत लगाया जाता है। तो लामाते अब आने वाले हैं, तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे दाच्छत कैसे लगाते हैं। तो चलिए लामा आते आ गए हैं और पापा और जो आते जो है दाच्छत जो बांधना जो उसको शुरू कर दिया है। इसके जो टॉप पे फूल और जो खतक बांधा जाता है, उसके बाद जो है दाच्छत जो मैं लेके आया हूँ वहाँ से मार्केट से, तो उन्हें उसे बांधा जाएगा। आज साथ ही सुबह सुबह जो है हल्की हल्की जो है बारिश भी हो रही है। दाच्छत लगाने के बाद लामा जी जो आते जी है मेरे, वह पूरे मंत्रों के साथ जो है मंत्र उच्चारण के साथ जो है इस विधि को पूर्ण करते हुए। ये जो स्लेट है इसके ऊपर जो है बुद्धिज़्म में जो है मंत्र जो है उकेरा गया हुआ है। जब हम पूजा करते हैं, पूजा के साथ देखिए धूप बत्ती जो है जो जल रहा है, धूप, ये धूप जो है जंगलों से जो ऊपर ऊपर कंडे में जो है ऊपर वहाँ से धूप जो है लेके आते हैं, ये स्पेशल धूप। तो हमारा जो पूजा जो है अब जो है सम्पन्न हो गया है। देखिए कैसा है, बिल्कुल बादल बादल है। आज जो है पापा ने लस्सी, जो बहुत बोलते किन्नौर में लस्सी लगाने के लिए, जो मशीन अभी लगाने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे लस्सी कैसा बनता है, और जो फ्रेश जो मक्खन जो होता है वो भी निकलते हुए दिखाऊंगा। तो सेटअप कर दिया है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सेटअप कर दिया है, इसके अंदर रखा हुआ है दूध, दूध क्या वो करके रखा हुआ है लस्सी के लिए। ये रहा मशीन, इसे बीच बीच में चलाते हैं, फिर घुमाते हैं, फिर रोकते हैं, उस हिसाब से करते हैं। तो आखिरी में मैं दिखाऊंगा कैसे इसमें से जो फ्रेश मक्खन कैसे निकाला जाता है और जो लस्सी है वो कैसे बनता है। तो वेट करते हैं पापा का आने का, पापा तो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद शुरू करेंगे इसको, तब तक वेट करते हैं हम। देखिए साथ में अभी अभी जो है चुल्ली भी उठा रहा हूँ मैं, एप्रिकॉट जो है ये वाला गड़वा वाला है, जस्ट एक घर वाला जो पेड़ है उससे गिराया अभी। ये देखिए कितना, ये तो बाहर है, अभी अंदर ही उठाना है मुझे। पहले मैं बाहर उठा रहा हूँ उसके, फिर अंदर उठाऊँगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं इसके, बहुत प्यारा होता है, टेस्टी भी बहुत होता है। लेकिन गुठली इसका कड़वा वाला है, इससे जो चुल्ली का जो तेल है, एप्रिकॉट जो ऑयल होता है वो बनता है इससे, इसके अंदर जो गुठली से। चलिए उठाते हैं चुल्ली, उसके बाद फिर देखते हैं लस्सी जो बनता है कैसा बनता है। ये देखिए मुझे ये उठाना है अभी, पहले बाहर का उठाऊंगा, उसके बाद जाके जो अंदर घर में उठाऊंगा। तो चलिए उठाते हैं। फाइनली हमारा लस्सी बन के तैयार हो गया है। मैं बाल्टी और ये ले गया, अभी मम्मी आ रहे हैं तो अभी निकालें। चलो आपको मैं मक्खन दिखाता हूँ। ये देखिए मक्खन, आ गए मम्मा, मम्मा निकालेंगे मक्खन। इसमें निकालेंगे मक्खन वाला, हाथ बर्तन मक्खन। ये देखिए छोटा है, प्योर मक्खन। कम दो, ये देखिए एकदम प्योर
प्योर और जो फ्रेश मक्खन है ऐसा ऐसा निकलता है, फ्रेश जो मक्खन है। ये निकला मक्खन। ये रहा फ्रेश लस्सी, किन्नौरी में बहुत बोलते हैं हम तो फ्रेश जो बहुत। देखिए पहले से छोटे बाल्टी में रखेंगे इसको, हम फ्रिज में रखेंगे, बाकी जो लाल वाली जो बाल्टी है इसको हम बाहर रखते हैं। ये बाल्टी जाएगा किचन में। बाय द वे जहाँ ये अभी लस्सी बनाया था पापा ने, ये जो पांठंग है इसको पांठंग बोलते हैं किन्नौरी में हम। पांठंग ये वो जगह होता है जहाँ पे हमारे जो शू जो घर के जो देवता जी रखते हैं, और जो है सर्दियों में जो लकड़ी है जो जो आँख सेकने के लिए जो बनाया होता है स्पेशली कमरा, उसे पांठंग बोलते हैं हम। सर्दियों में जब यहाँ बहुत बर्फबारी होती है तब पांठंग जो है उसका यूज़ होता है। पांठंग जो है इसमें जो है बीच में चूल्हा लगाया होता है जिसमें जो है लकड़ियाँ लगा के जो आग जलाया जाता है, और पांठंग में जो है पूरा जो परिवार जो बैठ के जो है जो सर्दी से जो बचने के लिए जो है पांठंग का जो है यूज़ करते हैं हम। हमारा घी, हमारा मक्खन तैयार है। ये वाला नया वाला पंठो है। ये है चूल्हा जिसमें मैंने कहा था, जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आग जिसमें आग जलाया जाता है, ये बेसिकली जो है रॉकेट चूल्हा है। इसमें जो है लकड़ियाँ कम जाती है और जो धुआं भी जो है ये कम जो है कम फेंकता है। तो आजकल ज़्यादातर ये जो है लोग जो है रॉकेट चूल्हा ही यूज़ कर रहे हैं किन्नौर में। तो ये रहा हमारा नया वाला किचन। तो चलिए लस्सी टेस्ट करते हैं हम। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मक्खन अभी भी है ऊपर से, इसमें रह रहा है, यहाँ देखिए मक्खन। चलिए टेस्ट करते हैं। चलिए बहुत बहुत जो लस्सी, लस्सी को किन्नौर में बहुत कहते हैं, तो टेस्ट करते हैं कैसा है। टेस्टी है, मीठा मीठा मीठा। लस्सी हमने टेस्ट कर लिया, बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो इस घी को तो अब पुराने वाले किचन में लेके जाएंगे हम। तो शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं बाथरूम से, शॉर्टकट। ये वाला पुराना वाला किचन है, बहुत पुराना है ये वाला। तो इसको अच्छे से अभी सा, इसमें जो थोड़ा बहुत लस्सी बचा हुआ है तो उसको अच्छे से मम्मी फेंट के निकाल रहे हैं। लास्ट में जो बचेगा वो ना प्योर जो मक्खन वो बचेगा। ये देखिए थोड़े थोड़े छींटे जो गिरे वो लस्सी के गिरे, तो इसको अच्छे से फेंट रहे हैं। ये रहा नया अभी जो निकला हुआ प्योर मक्खन।
ये वाला जो अभी निकला प्योर मक्खन, और ये वाला जो लास्ट टाइम निकला था वो वाला मक्खन है। इसी के साथ आज का व्लॉग हम जो है यहीं पे एंड करते हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।